So TVS just launched Zeppelin. Actually not. This is a Ronin which comes from the TVS. न्यूली लॉन्च है और इसके ऊपर रिव्यू करने जा रहे हैं. पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. सो ऑल राइट, सो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो ऑफ रोड रैश ऋषभ. और मेरे पीछे है टीवीएस की रोनिन और इसके ऊपर आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं एक ट्रैम्प ट्राइडेंट 660 लाइट हम लोग कह सकते हैं, जो कि टीवीएस की तरफ से लॉन्च हुई है एक्चुअली. और पहले वॉकराउंड बताएंगे इसमें क्या क्या मुझे देखने को मिल सकता है और क्या मुझे थोड़ा सा अदर बाइक के सिमिलर में लग रहा है उसके ऊपर मैं बात करूंगा. वेल देखते हैं क्या क्या इसमें देखने को मिलता है. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट्स हैव सम सिनेमैटिक शॉट्स. इसको दिखाना पहले कलर का नेम कर देते हैं. सिक्स कलर में आता है और आपको थ्री वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि एक स्टैंडर्ड है, एक मिड है और ये एक टॉप ऑफ द लाइन है. ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है ग्लैकलेटिक ग्रे कलर, इसको नाम दिया गया है. एक्चुअली डुअल टोन कलर में है, यहाँ पे ब्लैक है और यहाँ पे ग्रे है. टीवीएस की ब्रांडिंग यहाँ पे दी गई है, थोड़ा सा कर्व में दी गई है बट समय के साथ साथ आई थिंक सो ये लोगो निकल सकता है. वेल लेट्स सी क्या होता है. यहाँ पे आपको 300mm की डिस्क देखने को मिलती है और इधर आपको व्हील बैलेंसर इसमें देखने को मिल जाता है. जो मिरर्स हैं उसका जो इधर साइड से कट है वो डोमिनर टाइप का लग रहा है. सो ये थोड़ा सा सिमिलैरिटी मैं दूसरी बाइक से कहूँगा. जो इंजन रखा गया है वो इतना ज़्यादा कवरअप रखा गया है कि दूसरे साइड सिर्फ इधर ही से देख सकते हो और इधर साइड से कहीं से भी दूसरी तरफ नहीं देख सकते हो. तो ये भी थोड़ा सा कवरअप किया जा सकता था बट कंपनी ने उतना कवर नहीं किया. बट कवरअप काफ़ी ज़्यादा है. इधर साइड आपको एग्जॉस्ट मफलर देखने को इधर मिल जाता है, इधर मिल जाता है एंड इधर भी देखने को मिल जाता है. जो टिप है वो आपको क्रोम में देखने को मिल जाती है. एंड इधर साइड ये इसकी पीछे की लाइट है जो कि थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन टाइप की लग रही है बट इट्स अ कंपनी थ्रू. और यहाँ पे 240mm की डिस्क देखने को मिल जाती है. जो बेसिक वेरिएंट है उसमें सिंगल चैनल ABS देखने को मिलता है, बाकी दोनों वेरिएंट में आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है. दिस कम्स डुअल चैनल ABS एक्चुअली. एंड इधर थोड़ा बात कर लेते हैं, वी बेल्ट टाइप की इसमें आपको देखने को मिल सकती है. जस्ट किडिंग, दूर से अगर देखें तो वी बेल्ट टाइप की इसमें स्प्रॉकेट देखने को लग रही है बट इसमें आपको चेन स्प्रॉकेट देखने को मिल जाती है, वी बेल्ट नहीं देखने को मिलती है. दूर से दिखने में वी बेल्ट लग रही है बट चेन भी इसमें कवर की गई है. ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का मार्केट में टीवीएस ने इस बाइक को उतारा है. जेपलिन का प्लान था और रोनिन हाई है, रोनिन रॉबिन जो भी कह सकते हैं आप. एनीवेज, टीवीएस की ब्रांडिंग यहाँ देखने को मिलती है, रोनिन की ब्रांडिंग यहाँ देखने को मिल जाती है, टीवीएस की ब्रांडिंग अगेन यहाँ पे देखने को मिल जाती है. और यहाँ पे एडजस्टेबल क्लच एंड ब्रेक लीवर देखने को मिल जाते हैं. एग्जॉस्ट के ऊपर भी बात करेंगे और स्पीडोमीटर के ऊपर भी अभी बात करेंगे. स्पीडोमीटर काफ़ी छोटा देखने को मिल जाता है. एक स्क्रैम्बलर टाइप की मोटरसाइकिल आपको टीवीएस की तरफ से देखने को मिल जाती है. एंड जो हैंड ग्रिप है अगेन टीवीएस 160 वाले देखने को उसमें मिल जाते हैं. तो इस आपकी कुछ मोटरसाइकिल है. अगर थोड़ा सीट के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं तो सीट आपको कंफर्टेबल देखने को मिलती है. राइडर को राइडर के लिए थोड़ी सी हार्ड है बट राइडर के लिए काफ़ी बढ़िया सीट है इसमें देखने को मिल जाती है. ग्रैबरेल काफ़ी बड़ा दिया गया है इधर साइड से. एंड आपको इसमें रेडियल टायर नहीं देखने को मिलता है, ट्यूबलेस टायर जरूर देखने को मिलता है. और इसमें ऑफ रोड टायर्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं एज बिकॉज ये स्क्रैम्बलर है टीवीएस की तरफ से. अब थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन के ऊपर हम लोग फटाफट बात कर लेते हैं. वेल कमिंग टूवर्ड्स द इंजन, तो इंजन आपको 20 BHP का देखने को मिल जाता है, 90 Nm ऑफ टॉर्क. यहाँ पे 226 cc की डिस्प्लेसमेंट देखने को आपको मिल जाती है. 66mm बोर, 66mm का स्ट्रोक, तो 66mm के बोर स्ट्रोक दोनों ही देखने को मिल जाते हैं. ऑयल कूलिंग इसमें आपको देखने को मिलती है. 5 gearbox की मोटरसाइकिल आपको देखने को मिल जाती है. जो आपका क्लच है वो SS और स्लीपर क्लच दोनों के साथ आपको देखने को मिल जाता है, 40 liters की टैंक कैपेसिटी के साथ. एंड टॉकिंग अबाउट द टॉप स्पीड, तो 135 तक ये मोटरसाइकिल टॉप स्पीड अचीव कर सकती है. और अगेन मैंने डिस्क बता दिया 300mm का फ्रंट में और 240mm का रियर में. वेल इसमें आपको टीवीएस की तरफ से टायर देखने को मिल जाते हैं और 100 सेक्शन आपको फ्रंट में देखने को मिलता है विच इज़ 17 inches. और रियर में आपको 130 सेक्शन देखने को मिल जाता है, ये भी रियर में आपको 130 टीवीएस टायर की तरफ देखने को मिलता है. और फ्रंट और रियर 17 इंचेस के देखने को मिल जाते हैं. बट आई थिंक सो फ्रंट का बड़ा करना चाहिए था एज अ स्क्रैम्बलर बाइक. सो वो कंपनी का प्रेफरेंस है, वो जो भी करे. बाकी मेरे हिसाब से आगे का टायर 1 inches बढ़ाना चाहिए था जो कि हर एक स्क्रैम्बलर या ऑफ रोड मोटरसाइकिल में होता है. आपको देखने को मिल जाता है डुअल चैनल ABS इसमें देखने को मिल जाते हैं बट बेसिक वेरिएंट में आपको डुअल चैनल ABS नहीं देखने को मिल जाता है. एंड बात करें यहाँ पे तो 41mm के आपको सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं विच इज़ USD.
और रियर में आपको मोनोशॉक 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। टॉकिंग अबाउट द वेट, 160 केजीज का कर्व वेट आपको उसमें देखने को मिल जाता है। 181 mm की ग्राउंड क्लीयरेंस और 795 mm की सीट हाइट आपको उसमें देखने को मिल जाती है, डबल क्रैडल फ्रेम के साथ। वेल, इतना सा तो मुझे स्पेसिफिकेशन के ऊपर बात करना था, बाकी हम लोग फ्रंट में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो फ्रंट की लाइट कुछ इस हिसाब से लगती है, ये एक्चुअली रॉडन का लोगो है। तो फुल LED सेटअप आपको उसमें देखने को मिल जाता है। फ्रंट में दूर से दिखने में ये मेटल लगेगा, बट इट्स अ प्लास्टिक, बट रियर में आपको मेटल देखने को मिल जाता है इधर साइड से। एंड बात करते हैं इधर आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। यहाँ पे पास लाइट देखने को मिल जाती है, लो बीम, हाई बीम, और यहाँ इंफॉर्मेशन का स्विच, और यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स, यहाँ पे हॉर्न सुनाते हैं तो ठीक है, साउंड काफ़ी ठीक है फोन की। और यहाँ पे किल स्विच, यहाँ पे मोड्स, दो मोड देखने को मिलते हैं, रेड एंड अर्बन, एंड यहाँ पे हजार्ड भी देखने को मिल जाता है, और यहाँ इग्निशन स्विच। अभी साउंड भी सुनाएंगे। थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंटल कंसोल के ऊपर बात करते हैं, तो यहाँ पे मोड और सिलेक्ट दोनों ही देखने को मिलते हैं। तो मोड में एक बार जाते हैं, ऑडोमीटर, ट्रिपमीटर, ट्रिबीमीटर, डिस्टेंस, टाइम इकोनॉमी, एंड अगेन ऑडोमीटर। सेट पर थोड़ा सा चलते हैं, सेट पर आपको इतना कुछ नहीं देखने को मिलता है। यहाँ फ्यूल इकोनॉमी देखने को मिलती है, फ्यूल गेज भी आप कह सकते हैं, फ्यूल गेज इसमें आपको देखने को मिलता है, टैकोमीटर इसमें देखने को मिलता है, स्पीडोमीटर, यहाँ गियर शिफ्ट इंडिकेटर है, यहाँ पे राइड मोड्स का इंडिकेशन देखने को मिल जाता है। इधर से मोड दबाएंगे तो ये रिन एंड ये अर्बन अगेन। वेल, यहाँ पे आपको एवरेज स्पीड देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे लैप टाइमर भी देखने को मिल जाता है इसमें। एंड देखा जाए थोड़ा यहाँ ABS की इंडिकेशन, यहाँ पे साइड स्टैंड इंडिकेशन, इसमें साइड स्टैंड स्विच भी देखने को मिल जाता है। एंड इधर साइड चलते हैं तो यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स राइट हैंड साइड का, और इधर साइड लेफ्ट हैंड साइड का। यहाँ फ्यूल इंडिकेशन, यहाँ लो फ्यूल इंडिकेशन, यहाँ न्यूट्रल इंडिकेशन, यहाँ इंजन वार्निंग इंडिकेशन। तो काफ़ी ज़्यादा लोडेड इंस्ट्रूमेंटल कंसोल देखने को मिल जाता है, और TVS हमेशा लोडेड इंस्ट्रूमेंटल कंसोल ही बनाती है, और इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी ज़्यादा देती है TVS। यहाँ TVS का लोगो आपको उसमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है, जो कि आप TVS की ऐप से कनेक्ट कर सकते हो। की एक बार दिखाते हैं, तो की कुछ इस हिसाब की दिखती है, ये कवर टाइप का लग रहा है समथिंग। तो यहाँ पे आपको रॉनिन का जो लोगो है वो देखने को इसमें मिल जाता है। एंड फिर से दिखाते हैं, यहाँ पे रॉनिन की ब्रांडिंग, यहाँ पे हैव अ सेफ राइड की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी क्यूट का, और काफ़ी इंफॉर्मेटिव इंस्ट्रूमेंटल कंसोल आपको इसमें देखने को मिल जाता है। रॉड हैंडल बार इधर साइड देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा सा लाइट के ऊपर भी चलते हैं, तो लाइट कुछ इस हिसाब की देखने को मिल जाती है, और यहाँ इंडिकेटर दिखा देते हैं। तो इस हिसाब के इंडिकेटर BMW के जो इंडिकेटर होते हैं उसमें इधर से भी एक कट दिया गया, ताकि ये लाइट थोड़ी इस हिसाब से दिखे दूर से। तो आई थिंक सो सेम थोड़ा सा कॉपी करने की कोशिश की गई है। और यहाँ पे लगाड इसमें देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे डबल स्टैंड और सिंगल स्टैंड दोनों ही देखने को मिल जाते हैं। यहाँ सारी गार्ड देखने को मिल जाता है, कुछ इस हिसाब का सारी गार्ड आपको देखने को मिलता है। एक बार लाइट फ्रंट की दिखा देते हैं, तो ये लो बीम, ये रही हाई बीम, इस हिसाब की कुछ लाइट देखने को मिलती है। सेम मैंने एग्जॉस्ट अगर चालू ही कर दिया, तो एक बार एग्जॉस्ट की साउंड भी सुना देते हैं। काफ़ी बोल्ड, काफ़ी और लाउड, और काफ़ी बेसी एग्जॉस्ट है इसका। तो अगेन TVS एग्जॉस्ट के मामले में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म दिखाती है, क्योंकि एग्जॉस्ट TVS के बहुत अच्छे होते हैं। जो ट्विन रेशियो, इसका तो ट्विन बैरल नहीं है, बट इसका सिंगल बैरल है, बट सिंगल बैरल की भी काफ़ी लाउड साउंड है इसकी। इस हिसाब की कुछ ये पूरी मोटरसाइकिल देखने को मिल जाती है। मुझे फ्रंट थोड़ा सा डिफरेंट लगा इसका, और जो भी पहली बार देख रहा होगा, जिसको इतनी मोटरसाइकिल की नॉलेज नहीं है, उसके लिए ये थोड़ी डिफरेंट होने जा रही है। और मार्केट में ये दबदबा बनेगी नहीं, ये तो फ्यूचर में ही बताएगा, बट आई थिंक सो मे भी बना सकती है। प्राइस टैग थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, क्या प्राइस में आपको ये मोटरसाइकिल देखने को मिल जाएगी। टॉकिंग अबाउट द प्राइस, तो मैं इसका प्राइस बता दे रहा हूँ, तो 168,700 रुपीज़ ये एक शोरूम प्राइस है। ऑन रोड के लिए आपको खुद आना पड़ेगा, और जिस शोरूम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो इंडिया TVS है। और अगर आपको कोई भी TVS का प्रोडक्ट देखना है, तो आप यहाँ पे आके कंसर्न कर सकते हो। शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, सो कॉल करिए, अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करिए। बाकी अगर हम लोग बात करें इस मोटरसाइकिल की प्राइस, तो अगेन मैं बता दे रहा हूँ 168,000 है, बाकी 149,000 से स्टार्ट है, जो कि बेस वेरियंट है, और तो टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट 168,000 का है। ऑन रोड के आपको खुद पता करना पड़ेगा। बाकी यहाँ से हम लोग वीडियो एंड करते हैं, सो साइनिंग आउट फॉर मेट। सो वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन राइट रिसीव, एंड डोंट यू फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।